ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की क्रिसमस फोटो एडिटिंग। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है क्रिसमस आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है गाइस, मतलब कि कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है। तो गाइस आप लोगों की डिमांड थी कि भाई हमें क्रिसमस के ऊपर एक फोटो एडिटिंग चाहिए, तो गाइस मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके हाजिर हूं। एंड गाइस अगर मेरे को इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो गाइस मैं आप सभी के लिए क्रिसमस के ऊपर और भी काफी ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छा रिस्पांस देना एंड कमेंट करके बताना अगर आपको और वीडियोस चाहिए होगी तो गाइस मैं आप सभी के लिए बनाऊंगा। तो बाकी गाइस इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए तो आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को, ठीक है। तो गाइस मॉडल का पीएनजी है गाइस, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे पोज रख के आपको फोटो क्लिक करवा लेना, देन उसका आपको बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। एंड जो बैकग्राउंड आपको कैसे इरेज करना है अगर नहीं आता है तो गाइस उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेना, एंड इजीली वहां से देख के आप समझ लेना कि आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप मॉडल को लाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड आपको यहाँ से गाइस कुछ पीएनजीज और मिलेंगे, आपको उनको सिंपली ऐड करना है। तो जैसे कि पहला ये ट्री वाला पीएनजी है आपको, ठीक है, क्रिसमस ट्री, आपको पहले इसको ऐड करना है एंड आपको फुल स्क्रीन करना है, ऑटोमेटिकली आपकी फोटो में जो ऐड हो जाएगा। बट गाइस आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको जो है इस ट्री को जो आपको पीछे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे हम इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मूव बैक कर देंगे। देन गाइस हम जाएंगे अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस उसके बाद हम यहाँ से थोड़े से जो यहाँ पे मतलब कि गिफ्ट्स के पीएनजी है जो आपको इनको लेना है, एंड आपको सिंपली फुल स्क्रीन करना है, ठीक है, यहाँ पे। एंड ये भी ऑटोमेटिकली फोटो में ऐड हो जाएगा, तो आपको सिंपली ऐसे करना है। एंड इसको भी आपको मूव बैक कर देना है क्योंकि गाइस अभी जो है मॉडल हमारा ढंग से नहीं लगा है, तो अभी हम इसको मॉडल को ढंग से लगाना पड़ेगा। तो मॉडल को लेंगे एंड सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे एंड इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है गिफ्ट है जो इसके पास रखेंगे। एंड उसके बाद हम इसको मूव बैक करेंगे, हमें इसे ले जाना पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ स्टेप से इतना साइज रखना है अपना मॉडल का। एंड उसके बाद आपको इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी और ऐड करनी है। सो ये सेंटा क्लॉज है जो वहाँ से हमारे पीछे की तरफ से जो जा रहे हैं चुपचाप से, तो उनको भी यहाँ पे ऐड करना है आपको। आपको फुल स्क्रीन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको सिंपली यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस आपको एक गिफ्ट का पीएनजी ऐड करना है। एंड गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस इसको मतलब कि सिंपली ऐसे नहीं लगाना है, आपको उसको थोड़ा सा ब्लर करना है। तो उसको पहले आपको यहाँ पे साइड में इस तरीके से ले आना है। एंड आपको फिर क्या करना है, यहाँ से आपको चले जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन में, आपको साइड में मिल जाएगा। साइड में जो ऑप्शन है यहाँ से जाकर आपको इफेक्ट में जाना है। एंड आपको जाना है ऐसे ब्लर में, आपको जो फर्स्ट वाला ब्लर है आपको उसी को ले लेना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको कर देना है डन, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह जो अपने आप से मेंटेन कर लेना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है दोबारा। एंड यहाँ से आप सभी को एक लेना है विग्नेट का पीएनजी, तो हम सिंपली इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको उसका साइज इंक्रीज करना है कुछ इस टाइप से। एंड इसको गाइस आपको ज़्यादा नहीं रखना, आपको थोड़ा नीचे की तरफ जितना मतलब ब्राइटनेस है ना हल्का सा रखना है, ठीक है। शैडो जो है ये भी आपको हल्की सी रखनी है। एंड उसके बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से आपको एक क्रिसमस वाला पीएनजी है, ठीक है, तो उसको आपको लेना है टेक्स्ट पीएनजी को, आपको सिंपली स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद आपको क्रॉप में जाना है, इसमें थोड़ा सा जो है जिस वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है उसका थोड़ा सा नाम आ गया है, तो उसको आप थोड़ा क्रॉप कर लेना। एंड आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो आपको डार्क वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे, आपको सिंपली इसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो हैप्पी क्रिसमस का पीएनजी है, तो आपको इसको यहाँ पे रख लेना है। एंड आप सभी को गाइस एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, बाकी जो क्रिसमस आएगा तब भी मैं आपको विश कर ही दूंगा। तो अभी हम इसको सिंपली डन कर लेते हैं। एंड अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा जाना टूल्स में, फिर आपको जाना एडजस्ट में, फिर आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देनी है। एंड उसके बाद आपको रेजर टूल में जाना है, आपको उसका यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश की थोड़ी सी साइज कम करनी है। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड गाइस आपको अपने पैरों को नीचे शेडो क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप से, ठीक है, एंड एक इस टाइप से, ओके। सो इसका इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लेना है अराउंड 62 तक। एंड उसके बाद कर देना है डन। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है, इसका आपको करना है कलर करेक्शन जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप में। तो अब इसको हम लेके चलते हैं यहाँ से लाइटरूम ऐप में। एंड गाइस लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा एक लाइट वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपको इसका पहले कॉन्ट्रास्ट जो आपको कम करना है, एंड उसके बाद जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी कम करना है, इसको हाईलाइट को गाइस थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है, आपको कम मत करना है, इसको बढ़ा देना है। एंड जो शेडो है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। एंड जो वाइट है इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है। एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा सा कम करना है, ओके। सो उसके बाद आपको जाना है ऐसे कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन बढ़ाना है। एंड जो इसमें टेम्परेचर आपको उसको हल्का सा कम करना है।
एंड उसके बाद आपको जाना है इसे मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है एंड ल्यूमिनस जो इसको थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है इसे ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है थोड़ा, एंड उसके बाद आपको जाना है इसे स्काई ब्लू में, आपको उसको भी थोड़ा सा कम करना है, एंड उसके बाद जाना है आपको येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा प्लस करना है एंड ह्यू को थोड़ा माइनस करना है, फिर आपको सिंपली कर देना है डन। अब गाइज आपको जाना है इसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइज फोटो की क्लियरिटी बढ़ाना है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फिर ये करना है, आपको नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, मतलब कि आपको इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको सिंपली इसको बढ़ाना है, फिर आपको जाना है नीचे वाले टूल में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट डायरेक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट डायरेक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइज आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना गाइज, एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गाइज चलिए मैं मिलता हूँ सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।